अभी मेरे पास में एक पेशेंट आई थी, आया था, हस्बैंड आया था, और उसकी दो प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं। एक प्रेगनेंसी 8वें महीने में जाके बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, बच्चा घर में डिलीवर हो गया, फिर प्रेग्नेंट हुई, और फिर उसके 8 महीने 10 दिन के आसपास जब उसकी सोनोग्राफी हुई, बाद में 7वें महीने में जाके, तब सोनोग्राफी में ये बताया गया कि उसके अंग में कुछ खराबी है, वो ठीक से बता नहीं पा रहे ना। वो मेरे पास में सोनोग्राफी का स्कैन लाए हैं, और जब उसका डिलीवरी हुआ, क्योंकि उसमें डिफेक्ट थे अंगों में, तो उसकी जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के समय देखा गया कि उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे, जो कि वो मेरे को ऐसा बता रहा है। अब ये बंदा मेरे से ये पूछने आया है कि मैं अगली बार जब प्रेग्नेंट हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, तो क्या ऐसे ही फिर से होगा? तो इनने कहीं पर इसका हस्बैंड वाइफ का कैरियोटाइप कराया। कैरियोटाइप में एक ऐसी मामूली सी चेंज मिली है वाइफ के क्रोमोसोम में, जिससे ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होती। मैं अब ये जो पेशेंट है, ये जो हस्बैंड आया है, इसको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आगे वो क्या करे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि जिसके भी घर में इस तरीके की परेशानियां होती हैं, जिसमें कि बच्चा या तो पूरे दिन से पैदा हुआ और ख़त्म हो गया, बच्चा या तो 8.5 महीने 9 महीने में पेट में ख़त्म हो गया, फिर डिलीवर हुआ, तो कई बार जो बच्चा ख़त्म हो जाता है उसका लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि उसको सोचते हैं कि इसको रखेंगे तो ये हमेशा याद आएगा और बहुत सारी चीज़ें। पर उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आगे की जो प्रेगनेंसी है उसमें हमको ये बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि पिछली प्रेगनेंसी में क्या कारण रहा होगा, क्या वो कारण दोबारा हो सकता। दूसरी बात, यदि कोई अच्छी जगह जाके डिलीवरी कराते तो जो बच्चा पैदा हुआ दोबारा, एक बार तो मान लिया कि हो गया, दोबारा जो पैदा हुआ उस बच्चे का यदि जेनेटिक टेस्ट होता, अब जेनेटिक टेस्ट या तो कम से कम कैरियोटाइप होता, कैरियोटाइप नहीं होता तो थोड़ा अफोर्ड करते तो माइक्रो एरे हो जाता, तो ये पता चलता कि उसमें क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट में रिकरेंस होने की संभावना, दोबारा बच्चे में होने की संभावना है कि नहीं, ये पता कर सकते, उसको देख के फिर हस्बैंड वाइफ की जाँच कर सकते। अब होता क्या है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भी बच्चा इस तरीके का डिलीवर हो, बच्चा जब भी इस तरीके का एबनॉर्मल लेके पैदा हो, तो कम से कम उसका एक मोबाइल से फोटो, 3-4 फोटो लेके रखें। यदि उसका कायदे से तो हर बच्चे का एक पैथोलॉजी टेस्ट होना चाहिए, यदि नहीं हो पाता तो कम से कम फोटो लेके रखें, यदि कर सके बहुत अच्छा तो एक एक्सरे प्लेट रख लें, और यदि कुछ कर सकते हैं तो एक बच्चे का टिश्यू या बच्चे का जो प्लेसेंटा निकलता साथ में उसको प्रिजर्व करके रख लें। कभी यदि ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर को जेनेटिक टेस्ट करने की, या फिर आगे जो प्रेगनेंसी होगी उसमें फॉल्ट पिछला वाला अभी भी बरकरार है कि नहीं, वैसे ही लेके बच्चा पैदा होगा कि नहीं, यदि वैसा कुछ करना हो तो जो पिछला बच्चे में प्रॉब्लम हुई थी उस प्रॉब्लम को हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड रह सके कि हम इसमें हेल्प कर सके। अदरवाइज डॉक्टर एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, उनके पास में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहता, ना पेशेंट के पास रहता, ना फोटो रहती है, और उस कारण से जो ये परेशान होते हैं अगली प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, हमको यही नहीं मालूम कि पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, बच्चे को क्या डिजीज़ थी, बच्चे को डिफेक्ट क्यों आए, वो फिर से होंगे कि नहीं, तो कोई डॉक्टर कैसे बता सकता प्रेडिक्शन में। क्योंकि यदि आप जेनेटिक टेस्ट बोल दीजिए करने, तो जेनेटिक टेस्ट 30,000 जीन के जेनेटिक टेस्ट आप यदि करने जाएंगे, इतना एक्सपेंसिव है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न यही है कि यदि घर में या किसी को आप जानते हो फैमिली में लेट प्रेगनेंसी डेथ हो रही, स्टिल बर्थ हो रहा है, तो कम से कम उस बच्चे का 3-4 फोटो डिफरेंट एंगल से कोई एक रख जगह रख लीजिए, यदि एक्सरे हो सकता है तो एक्सरे रख लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। आशा है मेरे इस इन्फॉर्मेशन से इन फैमिलीज़ को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा जिनके घर में ऐसी हिस्ट्री हो चुकी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।